मेरे को भैया ये बाईपास सिद्धिविनायक होटल के यहाँ से लेके गए थे 8 बजे 28 तारीख के दिन। हाँ, और राजस्थान सॉरी रतलाम सूरी के आगे जाके इन्होंने किडनैप किया था। और इसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे फ़ोन लाए घर वालों से 40 लाख रुपये। मेरे को भैया ये बाईपास सिद्धिविनायक होटल के यहाँ से लेके गए थे 8 बजे 28 तारीख के दिन। हाँ, और राजस्थान सॉरी रतलाम सूरी के आगे जाके इन्होंने किडनैप किया था। और इसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे फ़ोन लाए घर वालों से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तो घर वालों ने उसी तुरंत एक्शन लेके कंप्लेंट डाली थी। और उसमें पुलिस पूरी सक्रियता से जिसमें पुलिस वालों ने सपोर्ट किया, जिसमें शिव भैया और इन लोगों ने इनकी मदद से मतलब मैं छोटा कैसे लोगों ने आपको बुलाया, आप लोग जानते थे क्या? हाँ, ये पहले से परिचित थे। कैसे परिचित थे? किराए से रहते थे मेरे। कैसे रखा इन्होंने 3 दिन आपको? 3 दिन सर बांध के रखा था एक कमरे में अलग से। रात पर मारपीट भी करी सर, 1-2 बार मारपीट करी और बांध के रखा था। 3 दिन तक खाना पीना कुछ नहीं दिया था। ये 5 लोग थे। क्या बोल के ले गए थे आपको वहाँ से? काम का बोल के ले गए थे। क्या काम का? पर्सनल कुछ काम था इनका 10 मिनट का, बोले 10-15 मिनट के लिए चलो हम अलग आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये इनका वो पर्सनल, ये खुद काम करते हैं लोग, इनके पास से बरामद भी हुए हैं वो सर। कहाँ लेके गए थे आपको? सूरी बरखेड़ा। वहाँ बंधक बनाया था, क्या करा था? बंधक बनाया था। मारपीट हुई आपके साथ? मारपीट बिल्कुल हुई, 1 दिन मारपीट हुई, 2 दिन बंधक, 3 दिन पूरा बंधक। किससे मांगी थी? घर पे फोन लगा के मांगी थी। कितनी फिरौती मांगी? 40 लाख रुपए। फोन लेके गया था, नाम है उनके जानते हो? हाँ, जिनने आपको उठाया था। हाँ, क्या नाम था? हेमराज शर्मा और गोविंद। आपका क्या नाम? भावेश। नंबर कहाँ से आया था उनका जिनको आप बोल रहे? परिचित थे ना, किराए से रहते थे। महिला भी थी उसमें? महिला भी इन्वॉल्व, 4 लोग टोटल, 5 लोग एक फरार। इसमें भावेश और सिब्बू है, सन ऑफ ललित सोनी, जो कि यहाँ पे गंगानगर देवास के रहने वाले हैं। और 28 तारीख की बात है जब ये घर पे नहीं निकल गए थे और 29 तारीख को नहीं आए हैं, तो इनके परिजनों ने जानकारी दी और इसको हम लोगों ने ट्रैक करना प्रारंभ किया। और प्रारंभ करने पर हम लोगों को ये ज्ञात हुआ कि हेमराज और आदि इन लोगों ने इनकी किडनेपिंग की है और हम लोगों ने इनको राउंड अप किया है। सर, भावेश सोनी के जो परिजन है वो मतलब क्या व्यवसाय क्या करते हैं? ऐसे 40 लाख रुपए बहुत मोटी रकम। ये बेसिकली भावेश के पिता तो एक आजकल जो फ्लिपकार्ट और आदि के जो कंटेनर्स होते हैं वो वाहन चालक हैं। और यह कि ये लोग इनको जानते थे, पूर्व परिस्थिति थी, परिस्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन एक विश्वास में लेकर इस तरीके से घटनाक्रम इसके साथ किया गया है। तो जो डिमांडिंग हुई सर, उसमें कुछ राशि वगैरह अरेंज हुई पुलिस ने? किस तरह का एक पूरा खाका तैयार किया उसको पकड़ने? बेसिकली जैसे ही इस चीज़ में संज्ञान में आया और इसको हम लोगों ने ट्रैक करना प्रारंभ किया, हमने सीसी कैमरास में देखे थे तो उसमें उसका मक्सी रोड पे पैदल जाना दिखा था। साथ में इसके दोस्त से भी बातचीत हुई जिसने उसमें उनको बाद में छोड़ा है। यह कि इन लोगों ने जब इसको अपने पास ले लिया है और पूर्व से उनके सुनियोजित प्रोग्राम प्लानिंग थी कि इसको इस तरीके से हमको एक्सट्रॉट करना है और इनसे पैसा मांगना है बस में। सर, पिछली घटना थी किसके पहले भी ऐसा कुछ अपहरण का काम कर चुके हैं जो अभी इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी सामने आता है, पूर्व में कहाँ कहाँ इनके प्रकरण चल रहे हैं और किस तरीके से इन्हें नाम बदल के भी कहीं घटनाक्रम किए होंगे, तो उसके बारे में जानकारी एकत्र की जाए। क्योंकि ये किराए से रहा है और उसमें आता नहीं था, एक पत्नी जो यहाँ पर बताए सपना उनको रखा हुआ था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में आना बाकी है। सर, कहाँ से छुड़ाया था भावेश को? भावेश को इसमें सूरी का करके ग्राम है, थाना नारगढ़ क्षेत्र से, वहाँ से उनको छुड़ाया। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी इसमें 2 हेमराज और गोविंद जो मुख्य इसके आरोपी हैं, साथ में सपना जिनकी सहयोगी थी और एक गुड्डी भाई। पिस्टल का भी रूप इसमें सामने आया, पिस्टल का क्या होगा? बेसिकली एक आपराधिक प्रवृत्ति का है हेमराज और इसने भावेश को ये प्रलोभन दिया था कि हम ये काम इसको बेच के और पैसा कमाते हैं। इस तरीके की इसने प्रलोभन दिया और इसको भी एक कुछ शौक आया जैसा अभी तक इन्वेस्टिगेशन से समझ में आता है और इसको इसमें लालच में अपने साथ में गाड़ी में बिठा के फिर लोग ले गए। खरीदने गया था और अपहरण हो गया, ये भी इसमें घटनाक्रम हो सकता है क्योंकि मूलतः ये फ़ोन पर गया ही वहाँ पर है और साथ में लोग मक्सी रोड से बैठे साथ में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।